सीरिया के मुद्दे पर लगता है रूस और अमेरिका आर पार के मूड में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली की रूसी समकक्ष के साथ तीखी नोकझोंक हुई। पिछले सप्ताह सीरिया में हुए केमिकल हमले को लेकर सुरक्षा परिषद की ये बैठक बुलाई गई थी। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि सीरियाई गृह युद्ध में केमिकल हमले को लेकर जितना आकलन किया जा रहा है उससे भी ज्यादा बार बशर अल असद सरकार ने इसका इस्तेमाल किया है। निक्की हेली ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने डूमा के लोगों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है। वो सीरिया के लोगों के खिलाफ इससे पहले 49 बार केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि दुनिया भर में केमिकल हथियार किसी भी युद्ध में बैन है। निक्की हेली ने सीरिया में केमिकल हथियार के इस्तेमाल के लिए सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका ने दावा किया है कि अगर रूस अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम रहता तो सीरिया में केमिकल हमले नहीं होते, जबकि रूस ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि सीरिया में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले हैं।